नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुवाज भूंदड़। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मनरेगा मेड संघ MTV। इस वीडियो में मैं आप सभी को मनरेगा योजना के बारे में, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना क्या है, किन किन लोगों को बेनिफिट मिलता है इसमें, किन किन लोगों को इस योजना से जुड़ना चाहिए और क्या क्या इसके लाभ हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस योजना का जिक्र 1991 में जब केंद्र में UPA नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय इस योजना का प्रपोज किया गया, पर किसी कारणवश इस एक्ट को पास नहीं किया गया। उसके बाद बहुत सी सरकारें बनी और किसी भी सरकार ने इस योजना का जिक्र नहीं किया। फिर जब 2004 में UPA की सरकार बनती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसके नेतृत्व में सितंबर 2005 को पार्लियामेंट में इस कानून को पास किया जाता है और इस योजना को लागू किया जाता है। उस समय भले ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन कहा जाता है कि इस मनरेगा योजना को उसके जो पूरे कार्यकर्ता जो कर्ता धर्ता थे रघुवंश प्रसाद जी थे, जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ समय पहले कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर 2005 से 2009 तक उनके द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया, वह मिनिस्टर थे, उनके द्वारा दबाव बनाया गया। तब UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी जी द्वारा इस जो मनरेगा स्कीम को लागू किया गया, उनके द्वारा ही इस मनरेगा को लागू कराने में रघुवंश प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। सोनिया गांधी ने तुरंत बैठक बुलाकर पार्लियामेंट में इस योजना को लागू करवाया 2005 में। यह एक्ट 2005 में बना और लागू हुआ। यह स्कीम मजदूरों को सरकार के द्वारा 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है कि आप सब मजदूरों को हम 100 दिन गारंटी इस योजना के तहत प्रोवाइड आपको रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। इसका नाम पहले नरेगा था, जब यह एक्ट बना था 2005 में इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को जब गांधी जयंती थी, इस स्कीम का नाम बदल कर महात्मा गांधी गारंटी रोजगार इस स्कीम का नाम रख दिया। इस स्कीम के तहत सरकार मजदूरों को गारंटी देती है कि आपको
साधन हम प्रोवाइड करवाएंगे। इस स्कीम के जो बेनिफिट हैं वो ग्रामीण इलाकों में इस स्कीम की का जो लाभ मजदूर उठा सकते हैं। इस स्कीम में ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा योगदान है। 15 दिन ग्राम पंचायत अगर मजदूर को के हिसाब से ही यह स्कीम चलती है। वह मजदूर अपनी पंचायत को लेने का डिमांड तैयार करके देते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और मजदूर को उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत को आगे कार्य दिया जाता है, मनरेगा कार्यालय में जमा करवाता है। और इस स्कीम और के बाद से लाभ हैं जो ग्रामीण इलाकों में मजदूर इसका ऐसा बुरा लाभ कैसी लगी जानकारी इसमें जा तो कहा जाता है कि इतना उसको